एक बहन ने सवाल किया है कि मुझे रात को नींद नहीं आती, मुझे सारी सारी रात जाग करके नींद का इंतजार करना पड़ता है और नींद की दवाएं लेनी पड़ती हैं। मैं इन सब से बहुत तंग आ चुकी हूँ और इससे छुटकारा मैं कैसे पाऊँ। तो देखो, नींद ना आना हमारी शरीर के साथ साथ मन से भी जुड़ा है। हमारा शरीर यदि स्वस्थ नहीं है तो नींद नहीं आ सकती। हमारा मन भी यदि स्वस्थ नहीं है, हम परेशान हैं, तनावग्रस्त हैं, तो भी हम नींद नहीं ले सकते। मन में पकड़ है, मन में किसी तरह की कोई गांठ है, किसी वजह से दिल अगर आपका दुखा है या आप परेशान हैं या कोई चीज़ जीवन में चाहते हैं और मिली नहीं है, तो आपको नींद नहीं आ सकती। या तो उसके लिए फिर अथक पुरुषार्थ करके उस चीज को प्राप्त करो और फिर उससे जो थकन होगी उससे नींद आएगी, या फिर कुछ नींद के लिए मैं कुछ आयुर्वेदिक उपाय, कुछ प्राणायाम ऐसी विधियां बताऊंगा। एक तो अपने मन से सबसे पहले फालतू का बोझ हटा दो, बात बात पे परेशान होना, बात बात पे खुद जिम्मेवारी लेना कि मैं ऐसा क्यों नहीं कर पाया, उसने ऐसा क्यों नहीं किया, वो ऐसा क्यों है। दुनिया को मत बदलो, अपने मन को बदलो। और इसके साथ साथ जो आपने पूछा है कि मैं सारी रात दवाई लेती हूँ, दवाई लेकर के सोने की कोशिश करती हूँ, जाग करके मैं इंतजार करती रहती हूँ नींद का, तो उसके लिए खास बात ध्यान में रखना, अनुलोम विलोम प्राणायाम करना, लेकिन धीमी गति से करना। रात्रि के समय हम तीव्र प्राणायाम नहीं कर सकते, तीव्र श्वासों को नहीं भर सकते, वरना तो दिमाग और ज्यादा सतर्क हो जाएगा और फिर नींद नहीं आएगी। कैसे करना? दाएं हाथ को दाई नासिका में रखना, बाएं से श्वास को लेना, दूसरे हाथ से ध्यान मुद्रा लगा लेना इस तरह से, और धीमी गति से श्वास को करना। बाएं से लिया था, दाएं से छोड़ दिया, अब दाएं से लेंगे और बाएं से छोड़ देंगे। ये श्वास इतना धीमा लेना कि आपकी नथुने के आगे अगर मैं किसी चिड़िया का पंख भी रख दूं तो वो उड़े नहीं, इतना धीमे 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 करते करते। इसको लेट के भी कर सकते हैं, इसको अपने बिस्तर में लेटे लेटे आप कर सकते हैं, हाथ के नीचे इस तरह से तकिया रख करके आराम से लेट करके प्राणायाम कर सकते हैं, और देखते ही देखते जब तक आपको नींद ना आए, इसको करने में प्रारंभ में 15-20 मिनट लग सकते हैं लेकिन आपको नींद आ जाएगी, ये तो उसी वक्त के लिए है। इसके साथ साथ अपने दोनों हाथों की कनिष्ठिका उंगली के नीचे का जो पहली लकीर है इसके ऊपर भी प्रेशर पॉइंट दिन में कभी कभी कर लिया करें, इससे भी नींद अच्छी आ जाती है उस वक्त। ये रोज करने से कुछ दिनों बाद इसका असर शुरू होता है, ये मत सोचना कि मैंने कल दबाया था तो मेरे को नींद नहीं आई। ये सब विधियों को एक साथ भी कर सकते हैं जो मैं बता रहा हूँ। इसके साथ साथ जिनको नींद नहीं आती है वे तिलक ध्यान भी कर सकते हैं, महामुद्रा मेडिटेशन हम करवाते हैं इस तरह से। अपनी रिंग फिंगर जो अनामिका उंगली है उसको जहाँ हम तिलक करते हैं वहां रख करके इस तरह से शांत बैठ जाएं, दिन में 3 मिनट सुबह 3 मिनट शाम को, इसको भी आप करेंगे तो आपकी नींद धीरे धीरे। और बादाम रोगन को आप दोनों नथुनों में इस तरह से तीन तीन चार चार बूंद या 2 बूंद से शुरुआत करके आप आधा चम्मच तक आराम से डाल सकते हो। सर्दी है तो 8-10 बूंद भी डाल सकते हैं, और गर्मी है तो 2-3 बूंद से ज्यादा ना डालें। और जिनका ब्लड प्रेशर बढ़ता है वो बादाम रोगन की जगह नथुनों में किसी ड्रॉपर की हेल्प से कच्चा गाय का दूध भी सुबह 10-10 बूंद डाल सकते हैं। धीरे धीरे आप देखेंगे ये सबसे बेहतर उपाय है नींद को लाने का, कि जो आप दूध और बादाम रोगन कुछ भी ऐसा, जिनका ब्लड प्रेशर बढ़ता है वो दूध कच्चा गाय का, और जिनका ब्लड प्रेशर ठीक रहता है वो बादाम रोगन डाल सकते हैं। धीरे धीरे आपके दिमाग की खुश्की ठीक होने लगेगी, क्योंकि ज्यादा टीवी देखते हैं, ज्यादा लैपटॉप पे काम करते हैं, ज्यादा बातें करते हैं, ज्यादा बोलते हैं, और ज्यादा हम खुश्क चीजें खाते हैं, मसाले ज्यादा खाते हैं, तो हमारे दिमाग में फिर खुश्की आ जाती है, तो उससे नींद नहीं आती। कई बार गैस बने तो भी नींद नहीं आती है, और भूखे पेट भी नींद नहीं आएगी, ज्यादा खा के भी नींद नहीं आएगी। उचित आहार लें इस बात का ध्यान रखें। और इसके साथ साथ नींद नहीं आने के लिए आप ध्यान की कुछ विधियां हैं उनको अपना सकते हैं। प्राणायाम सुबह शाम करें, और बहुत ज्यादा अगर तकलीफ है नींद नहीं आने की तो एलोपैथिक दवाई ना लें। अगर आपका बीपी बढ़ता है तो आपके लिए एक बहुत अच्छी दवाई आयुर्वेद में है जो कि नींद
के लिए भी हेल्प करती है। लो बीपी वालों के लिए ये ठीक नहीं है। जिनका बीपी हाई रहता है वो सर्पगंधादि घनवटी किसी भी आयुर्वेदिक दुकान से आप ले सकते हैं, बहुत सारी फार्मेसियां बनाती हैं सर्पगंधादि घनवटी, तो इस गोली को, एक एक गोली को रात को दूध के साथ ले सकते हैं। एक गोली से अगर लगे कि थोड़ी नींद कम है तो दो भी ले सकते हैं, लेकिन एलोपैथिक दवाई ना लें, इस बात का हमेशा ध्यान रखें। और सुबह शाम प्राणायाम करें, अनुलोम विलोम करें, कपालभाति करें, और मेडिटेशन ध्यान जरूर करें, तो आपको नींद बहुत अच्छी आएगी।